हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के साइंस चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ेंगे। हम सभी अपने घरों में पानी का उपयोग तो करते हैं और उसे गंदा या दूषित भी करते हैं। दूषित यानी डर्टी, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, वॉशरूम, लॉन्ड्री या नालियों में जाता है, वो अपशिष्ट जल कहलाता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? वाटर आवर लाइफलाइन। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। एक्टिविटी फर्स्ट, वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर। यू कैन ऐड मैनी मोर। क्लीन वाटर डेट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, कई क्षेत्र में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को साफ पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। क्या ये मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि पर प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में भी आप पढ़ा है आपने। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया, वाटर फॉर लाइफ। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई, क्लीनिंग ऑफ वाटर करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश या उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का ये प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और कई उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज बारिश के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है। इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। एक्टिविटी सेकेंड, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल्स। वी नो That sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease-causing bacteria and other microbes. These include the following:
ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, बैक्टीरिया सच एस वाइब्रियो क्लोरिया क्लोरा विच कॉजस क्लोरा एंड सेलमोनेला एंड पैराटाइफी विच कॉजस टाइफाइड. अदर माइक्रोब्स सच एस प्रोटोजोन्स विच कॉज डायजेंट्री. वाटर फ्रेशेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी. घर और सार्वजनिक भवनों को साफ पानी की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के ये एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है. कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है. ये एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान यानी उपचार संयंत्र तक ले जाता है. मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर टू 60 मीटर की दूरी पर दो या उससे अधिक सिवरों के संधि स्थल पर या उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है. एक्टिविटी थर्ड, स्टडी द सेवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग. डू द फॉलोइंग, मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सेवेज रूट, वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स. इफ पॉसिबल, ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनाइज आर फाउंड इन एंड अराउंड इट. इन केस यू डू नॉट हैव अ सेवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सेवरेज इज बींग डिस्पोज्ड ऑफ. ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. एक्टिविटी फोर्थ, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट ईच स्टेज. Fill a large glass jar 3x4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peels, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color. Cap the jar, shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into test tube. Label this test tube before treatment sample first. How does it smell? Use an aerator from an aquarium to bubble air through the sample in the glass jar. Allow several hours for aeration. Leave the aerator attached overnight. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer. You may have to stir it several times. The next day, when aeration is complete, pour another sample into a second test tube. Label it as after aeration sample second. Fold a piece of filter paper to form a cone, wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. Mount the funnel on a support as you have learned in class 6th. Place layers of sand, fine gravel and finally medium gravel in the funnel. An actual filtration plant does not use filter paper, but the sand filter is several meters deep. Pour the remaining aerator liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water. Pour a sample of the filtered water into a third test tube labeled filtered sample third. Pour another sample of the filtered water into a fourth test tube
एड अ स्मॉल ऑफ क्लोरीन टैबलेट, मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल फोर्थ, ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, डू नॉट टेस्ट जस्ट स्मेल दैम. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What changes did you observe in the appearance of the liquid after aeration? Did aeration change the odor? What was removed by the sand filter? Did chlorine remove the color? Did chlorine have an odor? Was it worse than that of the wastewater? Wastewater treatment plant, WWTP. Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. Wastewater is passed through bar screens, large objects like racks, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed. Water then goes to a grid and sand removal tank. The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. The water is then allowed to settle in large tank which is sloped towards the middle. Solids like faces settle at the bottom and are removed with a scraper. This is the sludge. A skimmer removes the flotable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity. Air is pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soaps and other unwanted matter still remaining in clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top. The activated sludge is about 97% water. The water is removed by sand drying beds or machines. Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil. The treated water has a very low level of organic material and suspended matter. It is discharged into a sea, a river, or into the ground. Nature cleans it up further. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before realizing it into the distribution system. Become an active citizen. Waste generation is a natural part of human activity. But we can limit the water in a river is cleaned naturally by processes that are similar to those adopted in a wastewater treatment plant. Did you know? It has been suggested that we should plant eucalyptus tree all along Savage Ponds. These trees absorb all surplus wastewater rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. The type of waste and quantity of waste produced often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drains is disgusting. The situation worsens in the rainy season when the drains start overflowing. We have to wade through the mud pools on the roads. Most unhygienic and unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes, and other insects breed in it. You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the Gram Panchayat.
insist that the open drains be covered if the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty. You should request them to be more considerate about others' health. Don't add to the load of WWTP. Pahili wonders how. Better housekeeping practices. One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain. Cooking oil and fats should not be thrown down the drain. They can harden and block the pipes. In an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. Throw oil and fats in the dustbin. Chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. Used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. These wastes choke the drains. They do not allow free flow of oxygen. This hampers their degradation process. Do not throw everything in the sink. In the year 2016, the Government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started. Vermi processing toilet. A design of a toilet in which humans, etc. is treated by earthworms has been tested in India. It has been found to be a novel, low-water-use toilet for safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple and hygienic. The human excreta is completely converted to vermicakes, a resource much needed for soil sanitation and disease. Poor sanitation and contaminated drinking water is cause of a large number of diseases. Let us look at our own country. A vast number of our people are still without sewerage facilities. Where do they relieve themselves? A very large fraction of our people defecates in the open, on dry riverbeds, on railway tracks, near fields, and many a time directly in water. Untreated human excreta is a health hazard. It may cause water pollution and soil pollution. Both the surface water and groundwater get polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs and many rivers. Thus, it becomes the most common route for waterborne diseases. They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. Bujo wants to know how sewage is disposed of in an aeroplane. Alternative arrangement for sewage disposal. स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है. सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन या 4 से 5 घरों के समूह. कुछ संगठन मानव अवशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं. इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती. शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है. उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है.
सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं, इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कंक्लूजन, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादितों से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में बहुत शक्ति होती है। महात्मा गांधी सेड, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहिए।